जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद अपराधियों और जेल कार्मिकों की मिलीभगत को लेकर कई बार सवाल उठते हैं और जेल में अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई, मोबाइल के इस्तेमाल के साथ ही जेल में बैठे अपराधियों के आपराधिक वारदातों में शामिल होने के भी कई मामले सामने आए हैं। इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहम द्वारा एक नया विचार करते हुए जोधपुर सेंट्रल जेल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। अब जोधपुर का अभय कमांड कंट्रोल जोधपुर सेंट्रल जेल पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। इसके साथ ही सेंट्रल जेल में होने वाली हर गतिविधि की रिपोर्ट भी पुलिस के पास रहेगी। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में अवैध हथियारों सहित अन्य अपराधों के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की भूमिका सामने आई है, जिसके पश्चात पुलिस कमिश्नर द्वारा इस संबंध में जेल डीजी से बातचीत की गई और उसके पश्चात यह निर्णय लिया गया। काफी लेवल तक बाहर का अपराधों में भी नियंत्रण रहेगा। अभी जेल डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ सीसीटीवी कैमरा काफी संख्या में लगा हुआ है, इससे बेहतर निगरानी रहेगा और ये निगरानी से जो जो अपराध करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। अब जो कैमरों पर जिन कैमरों की हम निरंतर खुद जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, वो सेम पैरेलल पुलिस विभाग भी इसको देखेगा और कोई चूक हमारे से होती है या कोई लापरवाही होती है तो उसको हमें बताएगा, इससे डबल जांच सिस्टम रहेगा। जोधपुर सेंट्रल जेल को देश की दूसरी सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा के पैमाने के चलते जेल प्रशासन द्वारा लगभग 130 कैमरे लगाए गए हैं। अब इस जेल प्रशासन में लगे कैमरों की निगरानी जोधपुर पुलिस कंट्रोल रूम भी करेगा। जोधपुर पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा जेल के सभी कैमरों को अभय कमांड कंट्रोल से कनेक्ट किया गया है। अब जेल प्रशासन के साथ साथ जोधपुर पुलिस कंट्रोल रूम भी जेल के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखेगा। कहीं ना कहीं जोधपुर सेंट्रल जेल से बढ़ रहे अपराधों को ध्यान में रखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन द्वारा यह प्रयास किया गया है और इन प्रयासों से कहीं ना कहीं अपराधों में कमी आएगी। नितेश सेन, ईटीवी भारत, जोधपुर।